गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, रिस्पेक्टेड लिसनर्स। आज भारत में जो प्रबंधन की ज़रूरत महसूस की जा रही है बादशाह और अंग्रेज शासनकाल ने वीर विद्वान और सिद्धांतवादी लोगों को, कमीर लोगों को दफन किया और अवसरवादी चापलूस और गृह चरित्र के लोगों को पुनर्पने का अवसर दिया। वो एक काल था और वो काल भारतीय लोकतंत्र के आगमन के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। नेहरू और जिन्ना, जिनकी बेटी की सोच अंतर धार्मिक शादी करने तक थी, उन्होंने भी इस महान हिंदुस्तान को धर्म की आग में झोंकने दिया, बहुत बुरा किया यहाँ के नेतृत्व ने और इस विश्व की महानतम शक्ति को कमज़ोर करने का कार्य हुआ विभाजन के रूप में और उसके बाद मारकाट के रूप में। अनेक भारतीय लोगों ने जो अपनी जान गंवाई, एक दूसरे पर हमले किए धर्म के नाम पर, बड़ा बुरा किया। तो मैं नेतृत्व को ये भी कहूँगा कि मैंने पहले वीडियो डाला था मर्जर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कुछ अलग नहीं, एक प्रांत से अधिक हमारा कुछ नहीं है, भारत में जल्दी आ जाए। रूस ने हमें अच्छी सीख दी है और हम भी वही काम करेंगे देर से। दूसरी बात, जो शासन प्रणाली की बात जो मैं बताना चाहता हूँ, महिलाओं का सम्मान बढ़े और गुंडागर्दी खात्मे की बात मैं यहाँ तक करूँगा कि गुंडागर्दी एक चोर और आवारा ही नहीं होता, गुंडे अधिकारी और नेता बैठे जिनको दफन किया जाना बनता है। मैं अदालती भाषा में बोल रहा हूँ, गुंडे चोर और जो अफसर बैठे हैं उनको दफन किया जाना बनता है। एक बहादुर सैनिक की बेटी जिसके पिता ने देश के लिए जान गंवा दी और चौराहे पर अध्ययन के लिए जाते समय आवारा लोगों ने अगर परेशान करने की हिम्मत जुटा ली और बाद में इस पुलिस की लचर प्रणाली, और कई बार तो पुलिस अपने बचाव में कहती है करूं क्या, तुम्हारे इस तथाकथित संविधान ने जिनको शक्ति दे रखी है वही मुझे इसको बचाने के लिए आदेश दे रहा है और तुम मुझे कानून नैतिकता की सीख दे रहे हो। बिल्कुल ऐसा भी आता है और पुलिस के जो हमारे बहादुर पुलिस वाले कई जो हैं, मैं सभी पर नहीं कह रहा हूँ, हिम्मत भी जुटाते हैं, उठ खड़े होते हैं। नेताजी, हमने खुद आईपीएस अधिकारियों को 8-8 साल तक उपेक्षा और तबाही झेलते देखा है कि मैंने उसके रेवेन्यू मिनिस्टर, एक आईपीएस अधिकारी राजस्थान कैडर का बता रहा था, मैंने गंगाराम चौधरी जो रेवेन्यू मिनिस्टर होता था भैरव सिंह सरकार में, उसके गुंडे को कुचला था, पोस्ट विक्रेता को, मेरी नौकरी को तबाह करने का प्रयास किया गया, डीजीपी को साथ लेकर, रोज डीजीपी पंजाब, डीजीपी झारखंड की कल सुनवाई चल रही थी, मैं इनको कहूँगा कि वर्दी पर दाग न लगाएं। अवसरवादी गिरोह चरित्र के न बने, आप भारतीय संविधान के रक्षक हैं और इसे बनाए रखें। और राजनेताओं से कहूँगा, जोर जोर से गाल बजाने वाले गुंडों और बदमाशों को हत्यारों से स्थिति पर ले लें। उसके चापलूस जो बार बार कहते हैं उसने शासन में बड़ी दबंगता दिखाई है, बेकार में किसी की तारीफ नहीं की जाए और तेरे ऐसे कोई कल्याण किया बादशाह और अंग्रेज की तरह, तो तू और तेरी पूरे परिवार की टीम सड़क पर खड़ा होकर इसके लिए रो या हंस, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि पुलिस तंत्र मजबूत बने, गुंडागर्दी ख़त्म हो और ऑफिसर्स लोबी जो भी है वो बिल्कुल परेशानी जरूर आएगी, सामने बात आ रही है
वोट प्राप्त करने के लिए कार्य की जाए, वोटों की भूख नहीं दिखाई जाए, अपराधियों को शरण देकर वोट प्रदान नहीं की जाए और धर्म और जाति के आड़ में गुंडों को पनपने नहीं दें। मैं प्रशासनिक खामी पर यहाँ तक की बात करूँगा, किसी निदेशक को, एक सैनिक जो दूर दराज सीमाओं पर, बर्फीली सीमाओं पर जो सीमाएं दे रहे थे, उन किसी निदेशक को कहा था मेरी पत्नी का पदस्थापन यहाँ कर दिया जाए और इससे मुझे और मेरे बूढ़े माँ बाप को लाभ होगा। उसने कहा सरकार ने मेरे हाथ बांध रखे, ईश्वर करे ऐसी सरकार और सरकार के मुखियों का मुँह काला हो, जल्दी से राख हो। जो और निदेशक कह रहा है कि उस बहादुर सैनिक की पत्नी को पोस्टिंग तक देने की अगर शक्ति और सरकार अगर समझ नहीं दिखाती है तो ऐसी सरकारों की जगह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई ज़रूरत भी नहीं है। जनता से आह्वान करता हूँ चलता करें इस तरह की सरकारों को, न्याय की बात सीखें, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात सीखें। कहने से नहीं, कहने को यहाँ हिंदुस्तान में कहने वाले बहुत हैं, जो लोग दिन में चून मांगते हैं उनकी बातें सुनकर आप दंग हो जाएंगे। आदर्श की बातें, बात हमारे यहाँ मुख्य ये है उसको कार्य रूप दिया जाए, फंक्शनल फॉर्म दी जाए, उसे सैनिकों की समस्याओं सुना जाए, उपायुक्त स्तर के अधिकारी तल्लीनता दिखाएं उन्हें, बहादुर बेटों के साथ, भारत माँ के रक्षकों के साथ, उनकी बेटी और बहुओं को पद स्थापन के मामले को लेकर कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। और आई है तो मैं सभी राज्य सरकारों से कहता हूँ, यदि हमें इस तरह की भविष्य में कोई शिकायत मिलेगी तो उसे मैं काले मुंह का मुख्यमंत्री कहेंगे, न कोई हिचक न कोई शर्म। हमने इसी आधार पर इसको चला रखा है कार्यक्रम को, जनप्रेश किसी से पोषित नहीं है और किसी के रक्षक भी नहीं है, जन पोषक, जनता के मुद्दे उठाएंगे। हमें अच्छा बुरा कहने में पहले कहा जिन्ना और नेहरू तत्कालीन जो दोनों की जो नीतियां थी, भारतीय विभाजन की नींव रखी, और मुझे दुख है उनके दामाद भी अंतर धार्मिक थे। उन्होंने बिना मतलब में इस देश का बंटाधार किया और 5 लाख भारतीय लोगों को एक दूसरे के हाथों से मरवा डाला, जो ठीक नहीं थे। और आज के नेताओं को मैं कहता हूँ, जाति और धर्म की आग में नहीं झोंके, अच्छी बातें सीखें। सुंदर देश है, महान देश है, इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाएं। धन्यवाद।